हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको कि अगर पीसीबी में हमारा जो एफएम रहता है, बाजा रहता है, उसमें जो है ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल से गाना कैसे सुन सकते हैं। तो चलिए मैं वही चीज़ दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मशीन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये मशीन है, तो इसके अंदर जाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे कैसे जो है अपना एफएम जो है बजाएंगे, फिर ब्लूटूथ कैसे हम कनेक्ट करेंगे, वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको। अंदर आने के बाद आपको दिखाते हैं सारा चीज़ आपको। सबसे पहले जो है आपको मोबाइल में दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना मोबाइल जो है रख लीजिएगा सामने। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप जो है ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिएगा। इस तरह से ब्लूटूथ ऑन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्विच को ऑन करना है। यहाँ पे जो चाबी है ना, आप स्विच को ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका जो है बाजा भी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे जो है कैसे हम कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ, तो इसको हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल पे आ जाइए, और फिर मोबाइल पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ पे दबा के रखना है। और यहाँ पे जो आप सर्च कर चुका है, ये देख सकते हैं जेसीबी म्यूजिक सिस्टम। तो यहाँ पे म्यूजिक जो है, यहाँ सिस्टम ऑन हो चुका है, सर्च कर लिया। इस पर हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्लॉक लिखा हुआ है, कैंसिल लिखा हुआ है, तो हमें पेयर करना है। तो यहाँ पे पेयर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है जेसीबी म्यूजिक सिस्टम जो है SBC यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड एक्टिव हो चुका है। उसके बाद क्या करना है देख सकते हैं, आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो है म्यूजिक जो है हमें क्लिक कर देना म्यूजिक पे। उसके बाद यहाँ पे जो है म्यूजिक पे ऑन करना है, हमें म्यूजिक जो है ऑन करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मोड बटन है, इस मोड बटन को दबा देना है एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो आ गया है, तो रेडियो हमें नहीं चालू करना है, यहाँ पे एक बार और दबाना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है फोन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फोन लिखा हुआ है, यही जो आपका फोन से जो है बाजा जो बजाएंगे, गाना बजाएंगे, सॉन्ग बजाएंगे, वो चीज़ आपका यहाँ से चालू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम का बटन है, इस वॉल्यूम बटन को आप यहाँ से साउंड को बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कम बेसी भी वॉल्यूम को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ, और यहाँ पे आपका जो मोबाइल है आप लॉक करके भी कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि आप अपने पैकेट्स में भी रख सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस जगह से यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ का निशान है, इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ से गाना सुन सकते हैं और फ़ोन भी इससे उठा सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन जो लिखा हुआ है, ये पूरा तरीके से फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ से अपना जो मोबाइल है चार्जिंग भी लगा सकते हैं केबल से। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी कार्ड के जरिए भी आप गाना सुन सकते हैं, और यहाँ पे आप कॉल को उठाने के लिए और सारा सुविधा भी दिया है, तो यहाँ पे मोबाइल भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो अगर सिराज अंसारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएँ, ताकि आपको हर एक वीडियो देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।